सभी को यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। I'm so glad to be here this morning। और इस सुबह के समय यहाँ होने के लिए मैं बहुत ही खुश हूँ। And those who are going to join with us in YouTube। और जो लोग हमारे साथ में YouTube से जुड़ रहे हैं। I would like to welcome you in the name of Jesus Christ of Nazareth। मैं आप सबों का यीशु नासरी के नाम से स्वागत करता हूँ। So today is the Father's Day। और आज जो है पिता का दिवस है, पिताजी के लिए एक दिन है। And we all are celebrating Father's Day today। और हम पिताजी के जीवन का एक उत्सव मना रहे हैं। And I would like to welcome all the fathers in this church। और जितने भी जो इस चर्च के पिताजी लोग हैं, जो पिता बने हुए हैं, मैं उनका स्वागत करना चाहता हूँ। And we are really very sorry that our mic system is not working today। और मैं बहुत ही क्षमा याचना करता हूँ, मांगता हूँ कि आज हमारा जो माइक सिस्टम है वो कार्य नहीं कर रहा है। But I hope in few days we are going to fix that one। और मैं आशा करता हूँ कि कुछ दिनों के अंदर वो सब दुरुस्त किया जाएगा। So God is doing incredible thing in our life। और परमेश्वर हमारे जीवन में अविश्वसनीय और बहुत ही अच्छे कार्य को कर रहा है। And God is making a new life for each and every one of us। परमेश्वर सभी को एक नया जीवन प्रदान कर रहा है। And God is good all the time। और परमेश्वर हमेशा के लिए भला परमेश्वर है। So I am going to take a small time and then we will pray for all the fathers this morning। और मैं कुछ क्षणों को लूंगा, कुछ समय को लूंगा और उसके बाद में जितने भी जो पिताजी बने हैं उन लोगों को मैं उनके लिए प्रार्थना करूंगा। And those who are watching us, और जो लोग हमें देख रहे हैं, we would like to pray for you as well from all the way from Eprada Pentecostal Church, Dharpunji, India। और आप जो लोग हमें YouTube के माध्यम से देख रहे हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं, मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा और धनपुंजी भारत देश के अंदर से। In future, if you would like to come and join us in this worship session, you are more than welcome। अगर आप आने वाले समय में भविष्य में आप हमारे साथ में जुड़ना चाहते हैं, हमारे प्रातः पेंटिकोस्टल सर्किट के साथ में जुड़ना चाहते हैं, तो मैं आपका बहुत आज से स्वागत करना चाहता हूँ। You can come and visit us and you can spend time with us in this worship center। और मैं चाहता हूँ कि आप हमें हमारे पास में आकर हमसे मुलाकात कर सकते हैं, इस प्रार्थना भवन में, प्रातः पेंटिकोस्टल चर्च में आप हमसे मिल सकते हैं। So listen very carefully what God has for you today। और तो आप बहुत ही ध्यान पूर्वक सुने कि परमेश्वर ने आपके जीवन के लिए क्या रखा है। God is our good father। आप देखते हैं कि परमेश्वर हमारा भला पिताजी है। God is our incredible God। और परमेश्वर हमारा अविश्वसनीय बहुत ही अच्छा परमेश्वर है। He never wanna leave you, never wanna forsake you। और वो कभी भी आपको भूलना और त्यागना नहीं चाहता है। He would like to be very close to you। और वो आपके पास में, आपके समीप में रहना चाहता है। Sometimes as a human being। और जब देखते हैं कि हम जैसे एक मनुष्य, because of our work deeds, और क्योंकि हमारे कार्य के अनुसार, we are very far away from our Abba Father, और हम देखते हैं अपने कार्य और अपने कामों के अनुसार हम परमेश्वर से बहुत ही दूरी बना लेते हैं, because we are human being, क्योंकि हम एक मनुष्य ही तो हैं, sometimes we are unfaithful to God, और देखते हैं कि कुछ समय होता है हम अविश्वास योग्य परमेश्वर के सामने पाए जाते हैं, but God would like to make you a faithful person for His kingdom, और परंतु हम देखते हैं कि परमेश्वर हमें चाहता है कि हम परमेश्वर के राज्य के लिए एक विश्वास योग्य व्यक्ति बने। He wanna call you as a son and daughter for His kingdom। और देखते हैं कि परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के राज्य के लिए एक उपयोगी स्त्री और पुरुष बने। Let us turn from the book of John। और देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार chapter 15 और उसका 15 and from verse 1 to 5 और उसका देखते हैं 15 एक से लेकर हम पास तक हम देखेंगे। And we are going to read in English और हम उसको इंग्लिश में तो पढ़ेंगे। And then after that we are going to repeat that one in Hindi language as well और उसको फिर से हम दोहराएंगे हिंदी में। So John chapter 15 from 1 till 5 my beautiful wife is going to read in front of you। मेरी पत्नी जो है 15 अध्याय यूहन्ना सुसमाचार का उसका 1 से लेकर 5 तक इंग्लिश में मेरी पत्नी पढ़ेगी, मतलब जो उसकी पत्नी पढ़ेंगे इसको। I am the true vine and my father is the gardener. He cuts off every branch in me that bears no fruit, while every branch that does bear fruit he prunes so that it will be even more fruitful. You are already clean because of the word I have spoken to you. Remain in me and I will remain in you. No branch can bear fruit by itself. It must remain in the vine. Neither can you bear fruit unless you remain in me. I am the vine. You are the branches. If a man remains in me and I in him, he will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. Amen.
Amen. Amen. Can somebody say Amen? और जोर से बोलिए सभी लोग Amen. Hallelujah. 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 Then you can read in Hindi now. और मैं इसको हिंदी में पढ़ूंगा. 15 यूनानी चुस्त समाचार उसका 15:1-5 तक. पहला वचन, सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छाटता है ताकि और फले. तुम जो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में. जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते. मैं दाखलता हूँ, तुम डालिया हो जो मुझ में बना रहता है, और मैं उसमें वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते. हालेलुया 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 हालेलुया. दिस इज अबाउट द फादर एंड सन. और देखते हैं एक पिता और पुत्र के बारे में है. एंड इट्स ऑल अबाउट अवर गॉड द फादर. और देखते हैं कि ये हमारे परमेश्वर जो पिता है उसके बारे में है. एंड एज वी सी ओवर देयर, अब देखते हैं जब हम यहाँ पर देखते हैं, इट्स रिटन देयर आई एम द ट्रू वाइन. और यहाँ पर लिखा है मैं सच्ची दाखलता. And it is about Jesus. और देखते हैं कि ये यीशु मसीह के बारे में है. And then after that it's written over there, and my father is the vine dresser. और देखते हैं कि यहाँ पर लिखा है कि मेरा पिता किसान है. When I was reading this scripture this morning, और जब मैं इस सुबह के समय इस वचनों को मैं पढ़ रहा था, God reminded me that parable. और परमेश्वर उस बात को मुझे याद दिला रहा था. There was one honor. और देखते हैं वहाँ पर एक honor है, एक भूमि का एक व्यक्ति है. And he went to this land. और देखते हैं जो भूमि का स्वामी जो है वो अपने खेत में गया. And one of his co-worker was going with him. और देखते हैं उसका एक कार्य करने वाला व्यक्ति भी उसके साथ में गया. And what is happening in that parable is. और वो देखते हैं कि उस दृष्टांत में क्या होता है. The worker who is working for his master. और देखते हैं कि वो एक कार्य करने वाला व्यक्ति जो अपने स्वामी के लिए कार्य करता है. He was roaming around that garden right now. और देखते हैं कि उस उद्यान के पास में, उस बगीचे के आसपास में घूम रहा है. And inside in that garden. और देखते हैं उस बगीचे के अंदर में. There was one small tree. और देखते हैं वहाँ पर एक पेड़ वहाँ पर लगा हुआ है. And this tree has been there for many many years. और देखते हैं कि वो जो पेड़ है उस बगीचे के अंदर बहुत सालों से लगा हुआ है. But there is no fruit. और देखते हैं वहाँ पर कोई भी फल नहीं है उस पेड़ में. So what the master is saying to him. परंतु जो स्वामी है उस व्यक्ति से जो कार्य कर रहा है उससे क्या कह रहा है. This tree is not bearing any fruit. और कहता है कि ये जो पेड़ है इसमें एक भी फल नहीं आ रहा है. So what I want you to do is. और आपको मैं चाहता हूँ कि आप इससे क्या करें. You should just cut it off. और मैं चाहता हूँ कि आप इसको काट डालें. But the worker of that garden is. और परंतु देखते हैं उस गार्डन का, उस बगीचे का जो माली है. He is having some kind of burden for that tree. और देखते हैं कि उस माली के जीवन में, कार्य करने वाले के जीवन में उस पेड़ के प्रति थोड़ा सा बोझ है, सहनशीलता है. Even though this master, this farmer is telling him to cut it down. और देखते हैं परंतु जो स्वामी है वो चाहता है कि वो पेड़ काट डाला जाए. But still, the worker would like to grow that tree. परंतु देखते हैं कि जो खेत में काम करने वाला व्यक्ति है, वो जो बगीचे का देखरेख करने वाला व्यक्ति है, वो चाहता है कि वो पेड़ फले और उसका देखरेख करना चाहता है. And he is requesting his master. परंतु देखते हैं कि जो माली है वो अपने स्वामी से निवेदन कर रहा है. Master. और ये स्वामी. Give me one more year. और आप मुझे एक साल और दीजिए. And within one more year. और एक साल के अंदर में. If this tree is not gonna bear the fruit. और ये जो पेड़ है अगर इसमें फल नहीं आते हैं तो. Whatever you want to do. और जो भी आप करना चाहते हैं. I will do that for you. और आपके लिए मैं करूंगा. Whether you are gonna like or not. और आप इसको पसंद करेंगे या नहीं.
then it's up to you, totally up to you after that. और उसके बाद में ये सिर्फ आपका निर्णय होगा. But just give me one more another year. और मेरे को एक अन्य और दूसरा एक साल ऐसा मुझे मौका दीजिए. So I should take care of this tree more. और ताकि मैं इस पेड़ का और देखभाल कर सकूं. Hallelujah. 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 So what he is gonna do? और देखते हैं कि अब उसमें उसके लिए वो क्या करेगा. He's gonna give all the things whatever it's need for the tree. और देखते हैं कि वो सारे चीज की जो आवश्यकता पेड़ को होगी, सारे पोषक तत्व खाद पदार्थ की जो आवश्यकता होगी वो माली उसे देगा. Let's say another year came. और देखते हैं कि अब अगला साल जो जो साल का निर्णय हुआ था वो साल आ पहुंचा है. Maybe this tree has been the same. और देखते हैं कि वो जो पेड़ है वो वैसा ही बना है. This tree is not bearing any fruit anymore. और देखते हैं कि वो जो पेड़ है उसमें कोई भी फल अभी तक नहीं आया है. So maybe what he has done is. और देखते हैं जो भी इसने वो कार्य किया है. He tried to hide that tree. और देखते हैं कि वो जो पेड़ है उसको पेड़ क्या है छुपाने की कोशिश कर रहा है. So master should not cut it off from the garden. और देखते हैं ताकि जो 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 स्वामी है उसको काट ना डाले. Sometimes in our life we are doing the same thing. और देखते हैं कि कुछ समय हमारे जीवन में भी ऐसा होता है कि हम वैसे ही करते हैं. Our spiritual life is the same. We are not growing. और देखते हैं कि हमारा आत्मिक जीवन भी हमारे जीवन में नहीं बढ़ रहा है. And Jesus और यीशु मसीह, he would like to see you grow more and more. परंतु यीशु मसीह चाहता है कि आप अपने जीवन में आत्मिक रूप से और बढ़ते चले जाए. God the Father always with us. और जो परमेश्वर जो है वो हमेशा हमारे साथ में है. According to this scripture, और देखते हैं इस वचन के अनुसार, we have to be with him. और देखते हैं हमको भी परमेश्वर के साथ में बने रहना है. Without Father, we can't do anything. और पिता के बिना हम अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते. Hallelujah. 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 You have to kneel down and pray. और आपको घुटने देकर प्रार्थना करने की जरूरत. You have to read the word of God. और आपको परमेश्वर का वचन पढ़ने की जरूरत है. And you have to talk to Abba Father. और आपको परमेश्वर से वार्तालाप करने की जरूरत है. Without him, और उसके बिना, we cannot do anything. और हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं. Without the work of the Holy Spirit, और बिना पवित्र आत्मा के कार्य के बिना, we are like a dead body. और देखते हैं कि हम मृत शरीर के जैसे हो जाएंगे. Hallelujah. Hallelujah. But with the Holy Spirit, परंतु परमेश्वर के पवित्र आत्मा की सहायता से, when we are able to connect with God, और जब हम परमेश्वर के साथ में जुड़ जाते हैं, our branches are gonna grow more and more. और देखते हैं हमारी शाखाएं बढ़ते रहती हैं. This is the prophetic word for Ephrata Gospel Social Service Society as well. और देखते हैं यही हमारे Ephrata Gospel Social Service Society के लिए ही भविष्यवाणी का वर्ड है. When you are gonna go close to God, और जब आप परमेश्वर के और समीप में जाते, when you are going to be abide in Jesus Christ, और जब आप यीशु मसीह के साथ में बने रहते हैं, our branches will grow more and more. और देखते हैं कि हमारी शाखाएं बढ़ते चली जाती हैं. Right now we are praying for only for the Kenya and Cambodia. और देखते हैं कि हम सभी अभी सिर्फ केन्या और कंबोडिया के लिए प्रार्थना कर रहे हैं. And for entire India. और देखते हैं पूरे भारत देश के लिए प्रार्थना. But God has a bigger plan than our plan. और देखते हैं परमेश्वर के पास में हमारी योजना से बढ़कर परमेश्वर के पास में उसकी अपनी योजना. It's not only for one and two country. और सिर्फ ये एक दो देशों के लिए नहीं है. But for around the world. परंतु ये सारे संसार के लिए है. When we are going to be abiding in Jesus Christ. और जब हम यीशु मसीह के साथ में मिल जाएंगे, जुड़े रहेंगे. When we are going to be having a great connection with him. और जब हम उसके साथ में एक गहरा और गहरा संबंध हमारे. Our branches will grow more and more. देखते हैं कि हमारी शाखाएं बढ़ती चली जाएगी. Money doesn't matter. और देखते हैं कि धन मायने ही रखता है. Where this money is gonna come, we don't care. और देखते हैं कि धन कहां से आएगा, हम उसकी चिंता नहीं करते. But what you have to care is. परंतु आपको इस चीज की चिंता करना है वो ये है. Am I able to connect with God or not? क्या मैं परमेश्वर के साथ में संबंध स्थापित कर रहा हूँ या नहीं? Hallelujah. 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 So let's go back to that parable. और फिर देखते हैं, फिर से हम उसी दृष्टांत में जाते हैं. Sometimes in our life, और देखते हैं कि कुछ समय हमारे जीवन में भी, we try to hide ourselves, और हम अपने आप को छुपाने की कोशिश करते हैं. Because we are not bearing a big fruits in our life. क्योंकि हम अपने जीवन में कुछ बड़ा और अच्छे चीजों का हम नहीं कर पा रहे हैं. Sometimes maybe master says to us, okay, what you are doing. और कुछ समय जो हमारा स्वामी हमसे कहता है कि आप क्या कर रहे हैं. Maybe God the Father is watching over us and he is telling us like,
यू आर नॉट बेयरिंग एनी फ्रूट। आज जो पिताजी है, जो हमारा स्वामी है, जो परमेश्वर हमको से कह रहा होगा कि हम अपने जीवन में कोई भी फल को नहीं ला रहे हैं। So maybe I will cut you off from this earth। और ताकि मैं आपको इस संसार से खत्म कर दूंगा। But there is one mediator between God and us। परंतु हमारे और आपके बीच में, परंतु हमारे और परमेश्वर के बीच में एक मध्यस्थता करने के लिए है। And his name is Jesus। और उसका नाम यीशु मसीह है। Hallelujah। 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 And because of Jesus। और यीशु मसीह के ही द्वारा। He always tried to tell our God the Father। और वो हमेशा हमारे हमें स्वामी से वो कहता है। Do not cut him off। और बिल्कुल आप इसे मारिए नहीं। But I am gonna give him another chance। क्योंकि मैं इसे फिर से और एक चांस मौका देना चाहता हूँ। I'm gonna give all of my life for him। और मैं अपना पूरा जीवन उसके लिए देना चाहता हूँ। So he should grow more and more। ताकि वो और बढ़ते चला जाए। So he should bear more and more fruits। ताकि वो हमेशा के लिए और ज्यादा फलवंत हो जाए। But what are you doing in this world? परंतु आप इस संसार में क्या कर रहे हैं? Are we really hearing God's voice? और क्या हम सच में परमेश्वर की उस आवाज को सुन रहे हैं? Are we thankful to Jesus that he would like to save us? और हम इसलिए भी धन्यवादित है क्या कि परमेश्वर ने अपने प्रिय पुत्र को दिया ताकि उसके द्वारा हमारा जीवन बचाया जाए? Or we forget all of his sacrifices? और हम क्या सारे उसके बलिदानों को भूल गए हैं हमारे जीवन में? We should not forget his sacrifice, what he has done on that cross of Calvary। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस के ऊपर जो हमने बलिदान को हमारे लिए किया है। Enemy wanted to kill you। परंतु हम देखते हैं कि शत्रु आपको मारना चाहता था। Enemy wanted to put you down। हम देखते हैं कि जो शत्रु है आपको नीचे दबाना चाहता था। But God sent his precious son Jesus so he can die on the cross of Calvary, so we should have a better connection with God again। और परंतु परमेश्वर ने ये कहा और ये रास्ता दिया कि परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को भेजा ताकि वो कलवरी क्रूस पर मरे और उसके द्वारा मारे जाने के द्वारा हमारा संबंध परमेश्वर के साथ में और भी गहरा हो जाए। In this Father's Day, और देखते हैं कि आज ये पिताजी का जो दिन है, today we are celebrating Father's Day, और जो आज हम पिता का जीवन दिन को हम मना रहे हैं। As Father loved his child, और देखते हैं जैसे ही पिता अपने पुत्र से प्रेम करता है, more than that, और उससे भी बढ़कर, God the Father, और जो परमेश्वर जो हमारा पिता है, he showed us his love, और देखते हैं उसने अपने प्रेम को प्रकट किया, through sending his precious son Jesus Christ, और उसके द्वारा जो यीशु मसीह के द्वारा जो कलवरी क्रूस के ऊपर हमारे लिए मारा गया, not only to meet you, और सिर्फ हमसे मुलाकात करने के लिए ही, not only to walk with you, और सिर्फ हमारे साथ में चलने के लिए, not only to talk with you, और सिर्फ हमसे बात करने के लिए नहीं, but he sent him, परंतु वो स्वयं अपने आप को इस संसार में उतार दिया। So he should die on the cross of Calvary for you and me। ताकि वो आपके लिए और मेरे लिए कलवरी क्रूस के ऊपर मारा जाए। That was the biggest father's love towards us। और वही सबसे बड़ा पिताजी का प्रेम आपके लिए और हमारे लिए था। Today I would like to encourage each and every one of you। और प्रत्येक लोगों को जो आज यहाँ पर है, मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ। Those who are lacking love in your life। और जो अपने जीवन में प्यार अपने जीवन में सही तरीके से नहीं ले पा रहा है उसका, उसको आप कमी महसूस, प्यार की कमी महसूस। Maybe in this world you are lacking love in your life। और आप सारी संसार में सच्चे प्रेम को, आप सच्चे प्रेम की कमी आपको शायद महसूस हो रही है। Maybe your father left you। और ताकि और आप देख रहे होंगे, अगर आप ऐसा भी महसूस कर रहे होंगे कि आपके पिताजी ने आपको छोड़ दिया है, और maybe your family members doesn't care about you, और शायद आपका परिवार आपके बारे में चिंता और फिकर नहीं करता है, but let me tell you something, परंतु मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ, God cares for your life, परंतु परमेश्वर आपके जीवन की चिंता करता है, God cares for your future, और परमेश्वर आपके भविष्य की परवाह करता है, God cares for you, और परमेश्वर आपकी परवाह और चिंता करता है। Each and every one of you, those who are here, he cares for you. और प्रत्येक लोग जो यहाँ पर हैं, सबकी परमेश्वर परवाह करता है। He never wanna forsake you. और वो कभी भी आपको त्यागना और छोड़ना नहीं चाहता है। In this parable, और देखते हैं इस दृष्टांत में, what's gonna happen next time? और अगले समय में क्या होने जा रहा है देखते हैं। If this master is gonna come back and visit that garden, और देखते हैं जब वो स्वामी, वो भूमि स्वामी जब आता है और उस उद्यान को, उस बगीचे में वो आएगा और देखेगा। Inside in that garden, और
देखते हो गार्डन के अंदर में और बगीचे के अंदर में इफ दिस ट्री इज नॉट गोना बेयर एनी काइंड ऑफ फ्रूट एनी मोर और देखते हैं कि वो जो पेड़ है और उसमें एक भी फल नहीं लगे हैं तो देन फॉर श्योर ही इज गोना कट इट डाउन और निश्चित ही जो स्वामी है उस पेड़ को काट डालेगा Whatever gardener has done for this tree, और देखते हैं जो भी जो जो उद्यान का सेवा करने वाला व्यक्ति माली जो भी शायद उसके लिए किया क्यों ना हो After this, nothing is gonna change. अब देखते हैं उसके बाद में कुछ बदलने वाला नहीं है Hallelujah. Hallelujah. In this world. और इस संसार में compare yourself with that tree और आप उस पेड़ से आप अपनी तुलना कीजिए God has sent Jesus Christ और परमेश्वर ने अपने प्रिय पुत्र यीशु मसीह को भेजा so he should give us more and more abundant life और ताकि वो हमारे जीवन में उस बहुत ताज का जीवन दे सके he always want to see us grow More and more. और वो चाहता है वो हमें हमेशा देखना चाहता है कि हमेशा हम बढ़ते और बढ़ते चले जाएं। He always want us to be abide with God the Father. और वो चाहता है कि हम हमेशा यीशु मसीह के साथ में उस परमेश्वर के साथ में बने रहे। But it's up to you and me. और परंतु ये आपके और मेरे ऊपर की बात है। Are we abiding with God the Father? और क्या हम यीशु मसीह के साथ में बने हुए हैं और आर वी अबाइडिंग विद दिस वर्ल्ड और क्या हम इस संसार के साथ में बने हुए हैं बिकॉज व्हेन यू आर गोइंग टू बी अबाइड विद वर्ल्ड और जब आप इस संसार के साथ में बने हुए रहते हैं देन यू आर नॉट गोना ग्रो एंड यू आर नॉट गोना हैव any kind of spiritual growth in your life परंतु आप जब संसार के साथ में बने हुए हैं तो आप आत्मिक रूप से आप ज्यादा बढ़ नहीं पाएंगे you're not going to get any kind of good fruits in your life और आप अपने जीवन में एक अच्छे फल को आप अपने जीवन में नहीं देख पाएंगे but when you're going to be abide with jesus christ परंतु जब आप यीशु मसीह के साथ में आप बने रहेंगे then you will grow more and more आप और बढ़ते और बढ़ते और फलवंत होते चले जाएंगे you will get more and more blessing in your life और आप अपने जीवन में बहुतायत की आशीष को आप देखने पाएंगे you will see the prosperity in your life और आप अपने जीवन में समृद्धि को देखते पाएंगे not only in a physical way परंतु आप भौतिक रूप से नहीं but in a spiritual way as well परंतु आप आत्मिक रूप से बढ़ोतरी को आप देखने पाएंगे sometimes in our life और कुछ क्षण हमारे जीवन में ऐसा भी है we would like to have a lot of physical activities in our life और हम देखते हैं कि भौतिक कार्य और क्रियाकलाप अपने जीवन में हम ज्यादा चाहते हैं and we want to see lot and lot of big money and big amount in our bank accounts as well हम चाहते हैं कि हमारे बैंक अकाउंट में हमारे खाते में बहुत बड़ा धन और पैसा होना चाहिए who don't want to be a rich person? Person over this place. और इस स्थान में ऐसा कोई व्यक्ति है जो चाहता है कि मैं ज्यादा धनवान नहीं बनना चाहता अपने आप को उठाए Anyone? और कोई ऐसा है कोई है क्या कि आप धनवान बनना नहीं चाहते कोई नहीं Who would like to be a poorest person in this entire world? और कौन ऐसा चाहता है इस संसार में सबसे गरीब व्यक्ति बने No one. और कोई भी नहीं चाहता Everyone would like to have something in their bank accounts. और प्रत्येक लोग चाहते हैं कि उनके खाते में बैंक अकाउंट में कुछ पैसा ज्यादा पैसा रहे Everyone would like to have something really big in their life. So they should be able to produce more and multiply in their life. और वो चाहते हैं कि हमारे जीवन में और ज्यादा और धन और संपत्ति रहे ताकि हम और कुछ बड़ा कर सके But what Bible says? परंतु बाइबल इस बात पर क्या कहती है First seek the kingdom of the living God. और बाइबल कहती है पहले उसके धर्म के और राज्य की खोज कीजिए So everything is gonna follow your life. और ताकि सारे चीज संसार की आशीष आपके पीछे पीछे आना शुरू हो जाए Today I declare and decree in your life. और मैं आज आपके जीवन में घोषणा और आज्ञा देना चाहता हूँ As the servant of the living God. और जैसे ही मैं परमेश्वर का परम जीवित परमेश्वर का एक दास हूँ When you are going to rely on Jesus Christ. जब आप यीशु मसीह पर भरोसा और उस पर निर्भर रहना शुरू कर देते When you are going to follow the kingdom of the living God. और जब आप यीशु मसीह के उस राज्य के अनुसार चलना शुरू कर देते हैं According to Psalms chapter 23 in the last word is written over there. और देखते हैं भजन संहिता 23 उसका आखिरी पद में जिस प्रकार से लिखा हुआ है Goodness and mercy shall follow you all the days of your life. और उसकी सारी दया और उसकी सारी भलाई और अच्छाई आपके जीवन में सर्वदा आपके जीवन में बनी रहे पीछा What is the meaning of goodness and mercy of the living God? और उसका मतलब क्या है भलाई और अच्छी बातें जो आपके जीवन में उसका मतलब क्या है?
physical blessing. उसका मतलब है भौतिक आशीषें. God is going to give you all the things whatever you want to have for your life. और परमेश्वर जो आपके जीवन में चाहते हो परमेश्वर उसको आपके जीवन में देना चाहता है. But you have to know that before that blessing you have to seek the living God. परंतु उससे पहले इस संसार के आशीषों के पहले परमेश्वर के सामने जाकर या परमेश्वर के उस धर्म और राज्य की आपको खोज करना जरूरी है. Those who are watching us on YouTube, और जो लोग हमें YouTube के माध्यम से देख रहे हैं, I am not preaching about the prosperity gospel. और मैं प्रॉस्पेरिटी समृद्धि वाला जो एक सुसमाचार है उसके बारे में मैं व्याख्यान प्रचार नहीं कर रहा हूँ. I am not saying that when you are going to believe Jesus, then you are going to have everything in your life. और मैं ऐसा भी नहीं कह रहा हूँ कि जब आप यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे तो आपके जीवन में सब कुछ हो जाएगा. But I want to tell you something. परंतु मैं कुछ आपसे विशेष कहना चाहता हूँ. When you believe in Jesus Christ, जब आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, everything is possible in your life. तब सब कुछ संभव है आपके जीवन में. Whatever you are going to do, और जो भी आप अपने जीवन में करना चाहते हैं, you will be succeed in the name of Jesus Christ. आप अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करेंगे यीशु मसीह नासरी के नाम में. Whatever problem you may be going through, और जो भी समस्या आप अपने जीवन में होकर जा रहे हैं, when you are going to be abide with Jesus Christ, परंतु जब आप यीशु मसीह के साथ में संबंध और उसके साथ में बने रहते हैं, then God is able to open a new door for your life. तब परमेश्वर आपके जीवन के लिए एक नए रास्ते को नए द्वार को खोलेगा. It's written there. और यहां पर लिखा हुआ है. In chapter 15 verse 2. और देखते हैं 15 और उसका 2 में. Every branch in me, और जो डाली मुझ में है, that does not bear fruit, और जो फल नहीं लाती है, it takes away, और वो काट डाला जाता है. Let me tell you something, Ephrathah Pentecostal Church family. और Ephrathah Pentecostal Church की कलीसिया परिवार में आपसे कुछ कहना चाहता हूँ. How many of you are coming from your village, from your home? I don't know. और कितने लोग आप में अपने गांव से अपने घर से आते हैं? But it's written over there. परंतु यहाँ पर लिखा हुआ है. It's very clear. और बहुत ही साफ तरीके से. Every branch. और प्रत्येक डाली. Those who are in Him. और जो उसमें है. That does not bear fruit. और बिल्कुल फल को नहीं लाता है. He's gonna take it away. और देखते हैं वो काट डाला जाएगा. But it's written over there. परंतु वहाँ पर लिखा हुआ है. Every branch. और प्रत्येक शाखा. That bears fruit He prunes. और देखते हैं जो फल को लाता है उसको वो छाटता है. Hallelujah. 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 Want to be bronze or you want to be taken away? और क्या आप चाहते हैं कि वो आपको छाटे या वो आप चाहते हो कि आपको काट डाले? Hallelujah. Hallelujah. This is up to you today. और आपके लिए है, आपके ऊपर है ये बात. In this special day. और आज एक महत्वपूर्ण दिन भी है. You have to take this. You have to make this decision today. और ये आज आप निर्णय भी ले सकते हैं. You have to tell Him. और आपको उसे परमेश्वर से कहना है. I'm gonna bear more fruits. और मैं बहुत ही ज्यादा फलदायी हो जाऊंगा. For Ephrathah Pentecostal Church. और Ephrathah Pentecostal के चर्च की कलीसिया. And you have to pray more. और आपको ज्यादा प्रार्थना करने की जरूरत है. You have to go more close to God. और आपको बहुत ही ज्यादा परमेश्वर के नजदीक जाने की जरूरत है. If you were praying only for the 30 minutes. अगर आप सिर्फ 30 मिनट के लिए आधा घंटे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं. From today, grow for the one hour. तो आज आपको 60 मिनट अर्थात एक घंटे के लिए आपको बढ़ते चले जाना है. Increase your prayer time. और आप अपने प्रार्थना के समय को बढ़ाइए. Increase your Bible reading plan. और आप अपने बाइबल पढ़ने के अध्ययन के समय को आप उसको बढ़ाइए. Hallelujah. Hallelujah. Then God is going to be happy with you. तब परमेश्वर आपसे प्रसन्न होगा, खुश होगा. Hallelujah. Hallelujah. Many times I give this example to all the young people as well. आप बहुत मैं आप जवान लोगों को मैं ये उदाहरण देता हूँ. Sometimes we are spending lot of time in Instagram, Snapchat and Facebook. आप देखते हैं बहुत सारा समय हमारे जीवन में बहुत ऐसा होता है जवान लोग कि हम जो समय है Facebook में, YouTube में और Instagram में, Snapchat पे हम खत्म कर देते हैं. I'm not against of all of those social media. और मैं ये सारे social media के विरुद्ध में तो नहीं हूँ. But किंतु Are you making your social media as an idol in front of your life? और क्या ये आपका social media आप अपने जीवन के लिए एक आदर्श के जैसे use कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं क्या? No. बिल्कुल नहीं. Hallelujah. Hallelujah. You have to see where you are going.
और आपको देखना पड़ेगा कि आप कहां जा रहे हैं. What are you watching? और क्या आप देख रहे हैं? Yesterday when I was in Raipur, और देखते हैं कि जब मैं रायपुर में था, I was scrolling down my Instagram. और जब मैं अपने Instagram को इस प्रकार से ऊपर की ओर घुमा रहा था, I'm not gonna mention anyone of your names. और मैं किसी का नाम यहाँ पर इंगित करना नहीं चाहता. But there was one name. और वहाँ पर एक नाम था. And there was a really but I know that person's name. और मैं उस व्यक्ति का नाम भी जानता हूँ. But that person changed the name in different name in Instagram. आप देखते हैं वो व्यक्ति अपने नाम को बदल लिया है Instagram में और उस अपने बदले हुए नाम से Instagram चला रहा है. You know why? और देखते हैं कि क्यों? So people should not know that who is that guy or who is that girl. और तो लोग उसको समझ ना पाए कि वो लड़की और लड़का कौन है क्योंकि नाम बदलने से समझ में नहीं आएगा. Because in that new account. और वो सब न्यू खाते में अकाउंट में. With the new name. और वो नए नेम के साथ. With a lot of Bollywood songs. और देखते हैं वहाँ पर बहुत सारे फिल्मी गाने फिल्मी दुनिया के गाने अच्छे अच्छे वहाँ पर है. तू मेरे पीछे आ मैं तेरे पीछे आऊंगी. You come after me, I will come after you. Everything is there. और बहुत ही ऐसा बहुत सारा चीज वहाँ पर है. But that is not the good branch. आप देखते हैं कि वो एक अच्छी शाखा नहीं है. When you are gonna grow in a spiritual level. और जब आप आत्मिक स्तर में आप बढ़ते हैं. You have to be very careful and sensitive. और तब आप बहुत ही सावधान और उसको समझदार होने हुए कार्य करना है. Hallelujah. Hallelujah. Especially when we are growing. और जब हम बढ़ते जाते हैं जवानी की अवस्था में बढ़ते जाते हैं. We are the branch. और देखते हैं कि हम शाखाएं हैं. We are not the branch of this world. और देखते हैं हम संसार की शाखाएं नहीं हैं. We are going to abide with Jesus and we our branch should be the spiritual branch. और जब हम यीशु मसीह के साथ में बने हुए हैं तो हमारी जो शाखा है वो यीशु मसीह के साथ में जुड़ी हुई होना चाहिए. Rather than posting मैं तेरे पीछे आऊंगी मैं तेरे पीछे जाऊंगा. और ऐसा पोस्ट जो करते हैं जो मतलब सांसारिक गाने को लेकर ऐसा वाला नहीं. There should be one more thing. और वहाँ पर एक और बात होनी चाहिए. Rather than those Bollywood songs. और देखते हैं वो जो Bollywood जो गाने हैं उसको छोड़कर. I want to encourage you from today. परंतु मैं आपको आज प्रोत्साहित करना चाहूँगा जवानों को. Write it down the word of the living God over there. और आप यीशु मसीह के वचनों को यीशु मसीह के गानों को वहाँ पर आप डालिए ना. So people should know that. और ताकि लोग उसको जाने. This girl. और ये लड़की. This boy. और ये लड़का. This youth members. और ये जवान सदस्य. They don't belong to world. और ये संसार के नहीं है. But they belong to Abba Father. परंतु वो यीशु मसीह के चुने हुए हैं. Hallelujah. Hallelujah. You are the appointed person for the kingdom of the living God. और देखते हैं आप यीशु मसीह के राज्य के लिए एक चुने हुए व्यक्ति हैं. God has appointed you for his kingdom. और परमेश्वर ने आपकी नियुक्ति किया है उसके राज्य के लिए. Satan has not appointed you. और शैतान ने आपको नियुक्त नहीं किया है. God has appointed you. परंतु परमेश्वर ने आपको नियुक्त किया है. God would like to give you a double portion of anointing. और परमेश्वर आपको दो गुने अपने आशीषों को देना चाहता है. How old are you right now? और आप कितने साल के हैं? When I see the teenagers right now. अब मैं देखता हूँ कि जो teenagers जो लोग हैं. 12 years, 13 years old, 14 years old. और देखते हैं जो 11 साल से लेकर 20 साल तक. Rather than having the word of the living God in their mindset. और देखते हैं उनके जीवन में जो परमेश्वर के जो वचन को वचन के वचन नहीं है परमेश्वर के वचन होने के वो नहीं होने के कारण. They have all the filmy songs and everything in their life. आप देखते हैं कि पूरा उनके दिमाग के अंदर पूरा फिल्मी सॉन्ग भरा हुआ है. Few days back I confronted someone else in Ephrata group as well. आप देखते हैं कि कुछ दिन पहले मैं Ephrata group में किसी व्यक्ति के साथ में इस प्रकार से वार्तालाप भी हुआ. We have to be very careful. और हमें बहुत ही सावधान होने की जरूरत है. Where are we sitting? और हम कहां बैठ रहे हैं? Where are we drinking even water as well? और हम कहां पर पानी को पी रहे हैं? इसको भी ध्यान देने की जरूरत है. Whom we are having food with? और किसके साथ हम भोजन ग्रहण कर रहे हैं? Hallelujah. Hallelujah. You are the appointed and you are the anointed person for the living God. और आप नियुक्त किए गए हैं और परमेश्वर के द्वारा आप अभिषेक किए गए हैं. You are going to be abide with Jesus. और जब आप यीशु मसीह के साथ में बने रहते हैं. And you should know where you are carrying Jesus with you. और आपको ये पता होना चाहिए कि आप यीशु मसीह को अपने साथ में लेकर कहां जा रहे हैं. When you are going to receive him as a person
पर्सनल सेवियर एंड लॉर्ड और जब आप उसको अपने जीवन में अपना स्वयं का उद्धार करता ग्रहण करते हैं एंड इफ यू थिंक दैट और आप ऐसा सोचते हैं आई एम अबाइडिंग विद जीसस क्राइस्ट नाउ और जब मैं यीशु मसीह के साथ में तो मैं बना तो हूं देन यू हैव टू बी वेरी केयरफुल वेयर यू आर टेकिंग जीसस क्राइस्ट और तब आपको बहुत ही सावधान रहना पड़ेगा कि आप यीशु मसीह का नाम लेते हुए यीशु मसीह के साथ में आप कहां तो जा रहे हैं हालेलुया 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 गॉड द फादर जो हमारा पिता परमेश्वर है the one who called Abba Father, और जिसको हम अब्बा पिता भी बुलाते हैं he wanna call you son and daughter, और वो आपको बुलाता है मेरा बेटा और बेटी but you should be like a son and daughter, तो आप उसके बेटा और बेटी के जैसे रहे हालेलुया 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 he loves you so much, और वो आपको बहुत ही प्रेम करता है and it's written there, और वहाँ पे लिखा हुआ है he is the vine dresser, और देखते हैं वो किसान है हालेलुया हालेलुया इज द वाइन ड्रेसर वो एक किसान है एंड इज रिटन इन 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 वर्स 5 और वहां पर जो वचन 5 में लिखा हुआ है आई एम द वाइन और मैं दाखलता हूं यू आर द ब्रांचेस और तुम डालियां हो ही हु अबाइड्स इन मी जो मुझ में बना रहता है And I am in him. और मैं उसमें. Hallelujah. Hallelujah. Bears much fruit. और वो बहुत फलता फूलता है. When you are going to abide in him. और जब आप उसमें बने रहते हैं. He is going to be abide in you. और जब वो आप में बना रहता है. He is going to be in you. और जब वो आपके अंदर में है. It means. और इसका मतलब ये है. Wherever you will go. और जब आप कहीं पर भी जाएं. Jesus will go with you. और यीशु मसीह आपके साथ में जाएंगे. Whatever you will work. और जो भी कार्य आप करेंगे. Jesus will help you out in that work. और परमेश्वर उस कार्य में आपको सफलता देगा. Because Jesus is in you now. क्योंकि यीशु मसीह आप में है. Hallelujah. Hallelujah. How many of you would like to have Jesus in your life this morning? और कितने लोग अपने जीवन में आप यीशु मसीह को आप अपने जीवन में चाहते हैं? Hallelujah. 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 When you are going to be with Jesus, जब आप यीशु मसीह के साथ में जब घुस जाते हैं, and when Jesus is going to be in you, और जब यीशु मसीह आप में जब घुस जाते हैं, according to Philippians chapter 4 verse 13 it says, आप देखते हैं फिलिपियों की पत्री उसका 4:13 के अनुसार, according to Bible, और पवित्र शास्त्र के अनुसार, it's written there, और वहाँ पे लिखा हुआ है, I can do all things through Christ. Who gives me strength? और मैं यीशु मसीह में सब कुछ कर सकता हूँ जो मुझे बल देता है. Hallelujah. Hallelujah. When it's gonna be possible? और कब ये संभव हो पाएगा? When Jesus is gonna be in you? और तब यीशु मसीह आपके जीवन में है. And when Jesus is gonna be in you? और जब यीशु मसीह आपके जीवन में जब है, then you will be able to declare and decree. तब आप आज्ञा और घोषणा करने वाले हो सकते हैं. Even though I walk through the valley of the shadow of death. और जब भी मैं उस अंधकार से घोर भरी तराई में होकर चलो I will fear no evil. और मैं उस सैतानी शक्ति से नहीं डरूंगा Because you are gonna say like this. और तब आप इस प्रकार से बोलने पाएंगे Because Jesus is with me. क्योंकि यीशु मसीह मेरे साथ में है Even though this struggle is in my life. क्योंकि मेरे जीवन में शायद ये सारा संघर्ष मेरे जीवन में है But if Jesus is in me. और तब यीशु मसीह मेरे जीवन में है तो Then this struggle, this crisis is nothing. और परंतु ये संघर्ष और ये परेशानी मेरे जीवन में कुछ भी नहीं है Because I am abiding with Jesus. क्योंकि मैं यीशु मसीह के साथ में बना हुआ हूँ My Jesus is in me. क्योंकि मेरा यीशु मसीह मेरे अंदर में And है I am with Jesus. और मैं यीशु मसीह के साथ में So when you are gonna walk and talk, और जब आप चलेंगे और बातचीत करेंगे You are gonna walk like Jesus. और तब आप यीशु मसीह के द्वारा चलेंगे You are gonna talk like Jesus. तब यीशु मसीह के जैसे बात करना शुरू कर देंगे When you are gonna lay your hand on the sick people. और तब आप जो बीमार है उनके ऊपर हाथ रखना शुरू कर देंगे Sickness is gonna go down from their life. और देखते हैं कि वो बीमारी दूर हो जाएगी All the evil spirit is gonna go away from their life. और देखते हैं कि बुरी आत्मा निकल कर चली जाएगी yesterday और देखते हैं बीते हुए दिन में Yesterday afternoon when I came back from my journey. और देखते हैं कि जो बीता हुआ दिन में मैं जब अपने यात्रा से लौट रहा था I came and I was taking rest. और देखते हैं कि मैं थोड़ा आराम कर रहा था And in my dream. और देखते हैं मेरे सपने में God put me in that very weirdest place actually. और देखते हैं मेरे सपने में परमेश्वर ने एक बहुत ही भयंकर वाला एक स्थान को दिखाया All around that place. और देखते हैं उस स्थान के आसपास I saw a biggest light. और देखते हैं वहां पर एक biggest light
lot of lights. अब देखते हैं कि बहुत सारी light वहाँ पर बहुत बड़ी light को मैं वहाँ पे प्रकाश को मैं देखा. But in midst of those lights, और देखते हैं उस light के मध्य में, I saw one evil spirit as well. और देखते हैं कि वहाँ पर एक एक शत्रु की आत्मा को भी मैंने देखा. But I started doing like this. परंतु मैं इस प्रकार से करना शुरू किया. And I don't know who was with me. और मैं नहीं जानता कि मेरे साथ कौन था. But someone was there. आप देखते हैं कि मेरे साथ तो कोई वहाँ पर था. That's why I chose this word of the living God to share with you this morning. इसलिए मैंने ये परमेश्वर का वचन, आज का वचन मैंने आपके साथ में बांटने के लिए चुना. I strongly believe that. और मैं बहुत ही मजबूती से ये बात करके विश्वास करता हूँ. The one who was standing beside of me. और जो मेरे साथ में जो खड़ा, मेरे साइड में जो खड़ा था. It was no one, but it was Jesus Christ. कोई नहीं, वो यीशु मसीह स्वयं मेरे साथ में खड़ा. हालेलुया हालेलुया. And he hold me like this. और उसने मुझे इस प्रकार से पकड़ा. And he told me. और उसने मुझसे कहा. I have appointed you. और मैंने आपको नियुक्त किया है. For many nations. आप और सारे संसार के और राष्ट्र के लिए. I have anointed you as a man of God. और मैंने आपको अभिषेक किया परमेश्वर का दास होने के लिए. Then why you are afraid? और फिर आप क्यों भयभीत हैं? Then you know what I said. और फिर मैंने कहा. In midst of that trouble. और देखते हैं उस भयानक समय के क्षण में. There was one evil spirit. वहां पर देखते हैं कि एक शत्रु की आत्मा भी है. And Jesus told me like this. और परमेश्वर यीशु मसीह ने मुझसे इस प्रकार से कहा. Rebuke that evil spirit because I am with you. और उस बुरी आत्मा को आप डांटिए क्योंकि मैं तुम्हारे साथ में हूँ. And when I started rebuking that evil spirit. और जब मैं उस बुरी आत्मा को डांटना शुरू किया. It's gone from that place. आप देखते हैं कि उस स्थान से वो निकल कर भाग गई. You know why? और आप जानते हैं कि because Jesus was beside of me. क्योंकि यीशु मसीह मेरे साथ में, मेरे पास में खड़े हुए. I would like to encourage you. और मैं प्रत्येक लोगों को प्रोत्साहित करना चाहता हूँ. Jesus is in you. और यीशु मसीह आपके अंदर में है. And when Jesus is in you. और जब यीशु मसीह आप में है. Even if your sickness is gonna come. और आपके जीवन में अगर समस्या आती है तो. Even struggle is gonna come. और वो समस्या और संघर्ष आपके जीवन में आता है तो. Even the fear of death is gonna come. और मृत्यु का भय अगर आपके जीवन में आता है तो. You should not fear. और आपको डरने की जरूरत नहीं है. Because according to Bible is written there. क्योंकि यीशु मसीह के पवित्र शास्त्र के अनुसार लिखा हुआ है. Even though I walk through the valley of the shadow of death. और परंतु मैं उस घोर भरी तराई में, मृत्यु की तराई में भी होकर चलूंगा. I will fear no evil. और मैं उस शत्रु से, उस डर से मैं डरूंगा नहीं. Because you are with me. क्योंकि तू मेरे साथ में. Hallelujah! You are with Jesus. और आप यीशु मसीह के साथ में हैं. You are the good branch. और देखते हैं आप एक अच्छी शाखा है. Bear more fruits. और आप बहुत सारे फल लाने वाले हैं. Hallelujah! God is an incredible God. और परमेश्वर अविश्वसनीय, बहुत ही अच्छा परमेश्वर. He is our Father. और वो हमारा पिताजी है. Hallelujah! 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 God is your Father. और परमेश्वर हमारा पिताजी है. God is your father. और हमारा अब्बा पिताजी है. And he wanna give you the double portion of anointing this morning. और वो आपके जीवन में दोगुना आशीष को देना चाहता है. He wanna make a new life for your future. और आपके जीवन के लिए एक नया जीवन है, एक फ्रेश जीवन आपको. I wanna prophesy over each and every one of you this morning. और आपके जीवन के लिए, जो प्रत्येक यहाँ पर बैठे हैं उनके जीवन के लिए मैं भविष्यवाणी करना चाहता हूँ. In the name of Jesus Christ of Nazareth. और नासरी के नाम से. All of your blessing is gonna come in your life. और सारी आशीष से आपके जीवन में आना शुरू हो जाए. May the Abba Father will be abiding with you. और अब्बा पिता आपके साथ में बना रहे. Hallelujah. Hallelujah. Whatever struggle you are going through. और जो भी संघर्ष, जो भी समस्या में से आप क्यों ना गुजर रहे हो. Maybe all the youngsters. Who knows? Maybe you are praying for your future partner. और जो जवान भाई और बहने, शायद आप अपने आने वाले भविष्य के पार्टनर के लिए, सब साथी के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं. Let me tell you something. और परंतु मैं आपको कुछ विशेष बताना चाहता हूँ. If you would like to have a better future partner for your life. अगर आप अपने जीवन के लिए बेहतर एक साथी आप चुनना चाहते हैं तो. Abide with Jesus. आप यीशु मसीह के साथ में बने रहे. Abide with God. और परमेश्वर के साथ में आप बने रहे. In future. और आने वाले भविष्य में. I'm gonna share with you how we met. और मैं भविष्य में आपको बताना चाहूंगा कि हमारी मुलाकात कैसे हुई. How our relationship worked out till the marriage. और कैसे ये हमारे जो रिश्ता जो है वो कैसे ऐसे बना रहा. And as you know, our relationship is growing more and more. और जानते हैं आप कि हमारा जो रिश्ता है और बढ़ते चला जा रहा है. Our marriage is stronger than before.
देखते हैं कि हमारा जो शादी है पहले से और ज्यादा मजबूत हो रहा है. And in few months I'm gonna get a baby as well. अब देखते हैं कि कुछ महीने के बाद में मैं पिता भी बन जाऊंगा, मेरे हाथों में मेरा जो पुत्र या पुत्री होगा. It's not because of us. और तो सिर्फ हमारे वजह से ही नहीं है. It's because of Jesus. और यीशु मसीह के द्वारा है. Hallelujah. Hallelujah. Many people ask me this question. और बहुत सारे लोग ऐसा मुझसे प्रश्न करते हैं. Oh, she's from USA. और वो देखते हैं कि वो अमेरिका से हैं. How is possible she came to India? और वो कैसे भारत देश आ गई? You are from India. और आप इंडिया से भारत से हैं. How was it possible that you went to that place and you brought her here? और कैसे हो गया कि आप उस स्थान में गए और उनको यहाँ पर ला लिए? I have only one answer. और मेरे पास सिर्फ एक ही उत्तर है. Not because of me. और सिर्फ मेरे लिए ही. Not because of her. और उसके वजह से भी नहीं है. Not because of my family background. और मेरे जो फैमिली है, जो मेरे परिवार की जो भूमिका है उससे. But it's only because I'm abiding with Jesus. और सिर्फ ये इसलिए हुआ है कि मैं यीशु मसीह के साथ में जुड़ा हूँ. Hallelujah. Hallelujah. This is the beginning of blessing. और देखते हैं ये शुरुआत है आशीष की. I want you to have a beginning of blessing as well in your life. और मैं चाहता हूँ कि आप भी शुरुआत के दौर में परमेश्वर की उस आशीष को ले ले. Sister Sapna. और बहन सपना. May the Lord will give you more and more abundance blessing in your life. और आपके जीवन में बहुत आयत की और बहुत आयत की परमेश्वर आशीष दे आपके जीवन. May the Lord will bring a nice man for your life in the name of Jesus in future. और परमेश्वर आपके जीवन में आपके भविष्य का जो साथी हो बहुत ही अच्छा भविष्य. I don't know from the 2 weeks when I have been praying for your life. अब दो सप्ताह हो गया जब मैं आपके जीवन के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ. I can hear the good music for your life. अब मैं देख रहा हूँ, अब मैं सुन पा रहा हूँ आपके जीवन के लिए एक अच्छा एक म्यूजिक. This is the prophetic word for your life, my sister. और मैं ये आपको कहना चाहता हूँ मेरी बहन की, ये आपके लिए भविष्यवाणी का एक सामर्थ्य का शब्द. Maybe you are thinking that your blessing is not coming. और आप शायद ऐसा सोच रहे होंगे कि आपकी आशीष नहीं आ रही है. But let me encourage you. परंतु मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहूंगा. A man of God is prepared for your life. और मैं कहना चाहता हूँ कि एक परमेश्वर का दास आपके लिए तैयारी कर रहा है. Hallelujah. 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 This prophetic word is not from me. और ये जो परमेश्वर का जो वचन है, जो भविष्यवाणी का वचन है, वो मेरे ओर से नहीं है. But this is from God. परंतु ये परमेश्वर की ओर से है. And I believe that. और मैं ऐसा विश्वास करता हूँ. God is going to multiply your blessing. और परमेश्वर आपके आशीषों को बढ़ाते और बढ़ाते रहेगा. Maybe you think that Pastor Joshua is not praying for like our senior pastor, late Reverend Ezekiel Daniel. और आप ऐसा भी सोच रहे होंगे कि जो हमारे स्वर्गीय पास्टर Ezekiel Daniel के जैसे पास्टर जोश जो है वो प्रार्थना नहीं करते वैसा. But he taught me how to pray for the believers. परंतु उसने मुझे सिखाया, उन्होंने मुझे सिखाया कि विश्वासियों के लिए हम कैसे प्रार्थना करें. And I have been praying for each and every one of you every day. और प्रत्येक लोगों के लिए नाम ले लेकर मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रत्येक दिन. And this morning I got word for my sister Sapna. और इस सुबह के समय मैं बहन सपना के लिए परमेश्वर के वचन के द्वारा शब्दों को पाया. And right after that, और तुरंत उसके बाद I got word for you as well. और मैं आपके लिए भी परमेश्वर के वचनों को सुना. In the 2023, और 2023 में God is going to multiply your territory as well. और परमेश्वर आपके भूमि को, आपके आपके बाउंड्री को परमेश्वर बढ़ाएगा. God is enlarging your territory. और परमेश्वर आपके बाउंड्री को बढ़ाने वाला परमेश्वर. God is a faithful God for your life. और परमेश्वर आपके जीवन के लिए एक विश्वासी योग्य परमेश्वर है. I see the encouragement of God is inside in your life. और मैं देख रहा हूँ प्रोत्साहन को परमेश्वर के वचनों के द्वारा जो आपके जीवन में हो रहा है. God would like to abide with you, my sister. और परमेश्वर चाहता है कि वो आपके साथ में बना रहे. And you are gonna be with him and he is in you. और परमेश्वर आप जब आपके साथ में बने रहेंगे, परमेश्वर आपके जीवन में बना रहे. Somebody shout hallelujah. 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 He wanna make you a mother for many nations. और आपको परमेश्वर इस संसार की एक माता भी बनाएगा. This is not a end of your blessing. और ये सिर्फ अंतिम आपके आशीष का नहीं है. But this is the beginning of your blessing. परंतु ये शुरुआत है आपकी आशीष की. This is the beginning of your blessing. और ये शुरुआत है आपके आशीष के लिए. This blessing is never gonna be end from your life. और ये जो आशीष है वो आपके जीवन में समाप्त होने वाला नहीं. This is the beginning of the blessing in your life in 2022, my brother. और ये जो 2023 में आपके जीवन के लिए शुरुआत है मेरे भाई आशीष का. I see the hand of God in your life. और मैं देख रहा हूँ कि परमेश्वर
परमेश्वर का हाथ आपके जीवन में। In 2023, God is going to fulfill all of your prophetic dreams and visions in your life. अब देखते हैं आपके जीवन में 2023 में परमेश्वर उस आशीष को जो परमेश्वर के वचन के द्वारा भविष्यवाणी के द्वारा हुआ है वो पूरा करने जा रहा है। God is giving me a word for your life. और परमेश्वर एक शब्द मुझे आपके जीवन के लिए दे रहा है। Limitless blessing. और अपर्याप्त आशीष। Limitless blessing. अब देखते हैं कि जो सीमा के बाहर है ऐसी आशीष से परमेश्वर दे रहा है। And God is with you. परमेश्वर आपके साथ। Wherever you will walk, और जब भी आप चलेंगे, Jesus is gonna walk with you. और यीशु मसीह आपके साथ साथ चलेंगे। God is going to walk with you. और परमेश्वर आपके साथ। Hallelujah. Hallelujah. Somebody shout Hallelujah. 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 God is an incredible Father. और परमेश्वर अविश्वास में बहुत ही महान परमेश्वर है। God would like to encourage you this morning. और परमेश्वर आए से सुबह के समय आपको प्रोत्साहित करना चाहता है। He wants to give you the double portion of anointing as well. और परमेश्वर आपके जीवन में दोगुना आशीष देना चाहता है। This prophetic word is for Ebrard of Pentecostal Church as well. और ये जो भविष्यवाणी का जो शब्द है Ebrard of Pentecostal की कलीसिया के लिए। Whatever you have been praying for this church. और जो भी इस चर्च के लिए इस कलीसिया में आकर आप प्रार्थना कर रहे होंगे। The structure of this church is going to be changed in this year. और देखते हैं इस साल में इस भवन का जो आप जो भवन को देख रहे हैं इसका जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं संरचना देख रहे हैं ये बदलने वाला है। People are going to come in this place actually. और देखते हैं कि इस स्थान पर लोग आना शुरू हो जाएंगे। And I see in my vision. और मेरे दर्शन में मैं ऐसा देख रहा हूँ। Yesterday. और बीते हुए दिन में। God is pouring out His heavenly blessing over this place. और मैं ऐसा देख रहा हूँ कि बहुत भारी मात्रा में परमेश्वर अपने स्वर्गीय आशीष को यहाँ पर डाल रहा है। This church is gonna be filled with many, many, many fish. Actually, I saw the fish in my dream. आप देखते हैं कि परमेश्वर बहुत सारी मछलियों से इस भवन को भरने जा रहा है। ऐसा मैंने दर्शन को पाया। And I know that fishes are not the worldly fishes. और जो मछलियाँ हैं वो पुरानी मछलियाँ नहीं हैं। But according to Ezekiel, और जो मछलियाँ हैं वो सांसारिक मछलियाँ नहीं हैं। But according to Ezekiel, और Ezekiel की किताब के अनुसार, when you are gonna read from Ezekiel chapter 47, और जब आप उसका 47 अध्याय से जब आप पढ़ेंगे, you will see these fishes over there. और आप देखेंगे उन मछलियों को वहाँ पर। Hallelujah. Hallelujah. Where there was no water. और देखते हैं जब वहाँ पर पानी नहीं था। There was a dry land. और देखते हैं वहाँ पर सूखी भूमि भी थी। But God has given up. Plenty of water. और देखते हैं भी परमेश्वर ने वहाँ पर बहुत ताज की मात्रा में जल दिया। And it's become a ocean. और देखते हैं वो समुद्र जैसे बन गया। And plenty of fishes came. और देखते हैं वहाँ पर प्रचुर मात्रा में मछलियाँ आ गई। And God has blessed that land. और देखते हैं उस भूमि को परमेश्वर ने आशीष दिया। This is from Ebrard of Pentecostal Church family. और ये Ebrard of Pentecostal Church के परिवार के लिए। You know how much blessing you are gonna get it. और आप जानते हैं कि कितनी आशीष आप अपने जीवन में लेने वाले हैं। You will be counting your money and you are gonna get tired. आप देखते हैं कि आप अपने धन को अपने पैसा को गिनेंगे और आप थक जाएंगे। Hallelujah. Hallelujah. Do you know why? और आप जानते हैं कि ऐसा क्यों? Because you are gonna be abiding with Jesus. क्योंकि आप यीशु मसीह के साथ में बने रहेंगे। Abide with Jesus. और यीशु मसीह के साथ में बने रहेंगे। Abide with Father. और यीशु मसीह उस परमेश्वर के साथ में आप बने रहेंगे। And Father is gonna call you as his son and daughter. ताकि आपको पिता और पुत्र आपको बेटा और बेटी कहके बुलाए। God bless each and every one of you. और परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीष दे। Let's stand up in our feet. और आइए हम अपने स्थान में खड़े हो जाएं। And let's praise God for few minutes. और कुछ मिनट के लिए कुछ समय के लिए हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus.